सो हेलो गाइस, फाइनली हमें रेडमी की तरफ से रेडमी का नोट 10 सीरीज़ जो कि आखिरकार लॉन्च हो गया है इंडिया में। जी हाँ गाइस, रेडमी का नोट 10 सीरीज़ की सारी डिटेल कंफर्म हो गई है और सारी कंफ्यूजन भी दूर हो गई है। गाइस रेडमी लवर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, बिकॉज गाइस रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो एंड गाइस रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है। और गाइस इन तीनों स्मार्टफोन में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी के नोट 10 सीरीज़ के बारे में और जानेंगे क्या होने वाली इसकी स्पेक्स, साथ ही क्या होने वाली इसकी ऑफिशियल डिटेल। तो गाइस अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो गाइज रेडमी का स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही फ़ोन लॉन्च करता है और जिसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। सो गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ की बात करें तो गाइज रेडमी का नोट 10 सीरीज़ में आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जी हाँ गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइज प्राइस सेगमेंट के हिसाब से गाइज रियलमी का जो 8 सीरीज़ आने वाला है उसमें गाइज आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि गाइज अराउंड 20K के अंडर देखने को मिलेगा। बट गाइज रेडमी के 10 सीरीज़ में 5G नहीं मिलता गाइज, इसमें आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ की अगर डिस्प्ले की बात करें तो गाइज रेडमी के नोट 10 में हमें 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि गाइज आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिला है। इसी के साथ गाइज रेडमी के नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिला है। सो गाइज हमें तीनों स्मार्टफोन में AMOLED का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि गाइज वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाली है रेडमी की तरफ से। तो गाइज ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में, बिकॉज गाइज कलर जो कि आपको AMOLED में काफ़ी ज़्यादा पंची और कलरफुल देखने को मिलता है। सो गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ की मेन हाईलाइट की बात करें तो रेडमी नोट 10 की प्रोसेसर, जी हाँ गाइज रेडमी नोट 10 में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का चिपसेट देखने को मिला है, जो कि गाइज बेस वेरिएंट है। और गाइज इसमें हमें UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम देखने को मिलता है। एंड गाइज रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स की प्रोसेसर की बात करें तो गाइज इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट देखने को मिलता है, और गाइज इसमें भी हमें UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम देखने को मिलता है। तो गाइज चिपसेट 732G, गाइज दिस इज 4G चिपसेट। सो गाइज रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स दिस इज 4G स्मार्टफोन। नाउ गाइज रेडमी नोट 10 सीरीज की अदर मेन हाईलाइट की बात करें तो कैमराज, जी हाँ गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में हमें तीनों स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि गाइज आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिला है रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में। सो गाइज अगर रेडमी नोट 10 की प्राइमरी कैमराज की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिला है। इसी के साथ गाइज रेडमी के नोट 10 प्रो में प्राइमरी कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिला है। सो गाइज अगर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की अगर प्राइमरी कैमरा की बात करें तो गाइज इसमें हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, जो कि हमें रेडमी के नोट 10 में 2 मेगापिक्सल मैक्रो देखने को मिलता है। वहीं गाइज रेडमी के नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में हमें 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। गाइज अगर सेल्फी कैमराज की बात करें तो गाइज इसमें हमें नोट 10 में इन डिस्प्ले पंच होल में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। इसी के साथ गाइज रेडमी नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स में हमें 16 मेगापिक्सल का जो कि सेंटर पंच होल सेल्फी कैमराज देखने को मिला है। सो गाइज ओवरऑल कैमराज के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है रेडमी का नोट 10 सीरीज। सो गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज एक लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए बिना टाइम को वेस्ट किए। गाइज रेडमी नोट 10 सीरीज़ की फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो गाइज हमें तीनों स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। जी हाँ गाइज इन डिवाइस में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। गाइज रेडमी नोट 10 सीरीज़ की अगर स्पीकर्स मैनेजमेंट की बात करें तो गाइज हमें रेडमी के नोट 10 सीरीज़ के तीनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। एंड गाइज रेडमी के नोट 10 सीरीज़ की अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइज रेडमी के नोट 10 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, साथ ही गाइज रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स में हमें 5020 mAh की बैटरी देखने को मिला है। सो गाइज 20 mAh का फर्क है रेडमी नोट 10 में। इसी के साथ गाइज तीनों स्मार्टफोन में हमें 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एडेप्टर इनबॉक्स में 33W का देखने को मिला है।
जो कि गाइस बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है रेडमी नोट 10 सीरीज में। रेडमी नोट 10 सीरीज की अगर OS की बात करें तो गाइस इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 और इसी के साथ गाइस MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट गाइस आपको MIUI 12.5 भी जल्दी देखने को मिलेगा। सो गाइस इसी डिवाइस की मेमोरी वेरियंट की बात करें तो गाइस रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स स्टार्टिंग है 6GB 64GB बेस वेरियंट के साथ, और गाइस शायद आपको रेडमी नोट 10 में 4GB 64GB का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइज रेडमी नोट 10 की रिपोर्ट की माने तो कन्फर्म नहीं है, बट गाइज आपको रेडमी के नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में 6GB 64GB स्टार्टिंग वेरियंट देखने को मिलता है। गाइज यार रेडमी नोट 10 की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाइज रेडमी नोट 10 की बैक हमें पॉलीकार्बोनेट और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ गाइज रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में हमें ग्लास बैक एंड फ्रंट में भी हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गैस ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में भी काफी ज्यादा अच्छा रेडमी का नोट 10 सीरीज देखने को मिलता है। सो गैस फाइनली अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो रेडमी का नोट 10 सीरीज में रेडमी का नोट 10 अंडर 14 के और इसी के साथ गैस रेडमी का नोट 10 प्रो अंडर 19 के और इसी के साथ गैस रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स आपको अराउंड 22 के अंडर देखने को मिलेगा। सो गैस रेडमी का नोट 10 सीरीज दिस इज 4G स्मार्टफोन। नाउ गैस रेडमी का नोट 10 सीरीज एक अमेजिंग स्मार्टफोन है। तो गैस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए गैस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।